आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय प्रतिदिन के जीवन का आनंद लो, प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हम विश्वास के विषय में बातें करेंगे। आपने विश्वास के बारे में बात करते सुना होगा, परंतु वास्तव में विश्वास योग्यता क्या है? विश्वास पर बात करने के लिए हमारे साथ है पास्टर फिल प्रिंगल, ऑक्सफोर्ड फॉल्स में क्रिश्चियन सिटी चर्च ऑस्ट्रेलिया से। आप कलीसिया को अपनी पहली प्राथमिकता दे दें तो आपका सपना आधा पूरा हो गया। यह तो आपके आधे दिन की शुरुआत हो चुकी है। पास्टर फिल प्रिंगल सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिश्चियन सिटी चर्च में संपादक एवं वरिष्ठ पास्टर है। उनका प्रभावशाली प्रचार करने का ढंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में लोकप्रिय किया है। वह एक माने हुए कलाकार और लेखक और कई बार यीशु मसीह के प्रति उनके प्रेम के दर्शन के लिए अपनी कला का सामर्थ्य उपयोग करते हैं। आज वह जॉयस के साथ विश्वास के विषय में बात करेंगे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओ जॉयस, कितनी खुशी की बात है। कितने समय से मैं आपको जानती हूँ? ओ शायद 10 वर्षों से। 10 वर्ष? ओ शायद उससे ज्यादा हो सकता है, 15 वर्ष भी। बहुत सा पानी पुल के नीचे से चला गया हम दोनों के जब से हम मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप केवल पास्टर ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, परंतु संयुक्त राष्ट्र में भी आप काफी हमने 135 कलीसिया स्थापित की है। वाह। उनमें से 24 यहाँ पर इस अमेरिका में है। पिछले वर्ष न्यूजीलैंड में भी हमने 16 चर्च स्थापित किए हैं और हम सैंटियागो में भी शुरू कर रहे हैं। हमने सैन फ्रांसिस्को में भी आरंभ किया है, जहां पर एक कैफे हॉल में हम शनिवार रविवार के समय वहां पर इकट्ठे होते हैं। और आपने काफी प्रसिद्ध स्तुति आराधना गीत भी लिखे हैं, उनमें से कौन सबसे खास है? शायद वो जो मैंने 1982 में बहुत पहले लिखा था, वहां तो था फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट फॉर आई एम विद यू। उसके बाद जो गीत लिखा वी वॉक बाय फेथ और बाइंडिंग द स्ट्रांग मैन भी। वाह। और भी। सो आप हर तरह से वरदान प्राप्त। मैं नहीं जानता उसके विषय में, बस लड़खड़ाते हुए। फिल, क्या आपने विश्वास के विषय सीखा है? मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के साथ हर विषय की शुरुआत विश्वास से ही होती है और ईश्वर की मुद्रा है। इसी के द्वारा आप परमेश्वर से लेन देन करते हैं। यदि परमेश्वर केवल जरूरत पड़ने पर ही उत्तर दें तो शायद वो हमारे कई परिवारों की ओर ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि हमारी अधिक जरूरतें होती हैं, परंतु विश्वास पर क्रिया करता है। मैं हमेशा विश्वास को स्विमिंग पूल मानता हूँ। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है ऑस्ट्रेलिया में, और गर्मी है तो हमें तैरने का आनंद आता है। यदि मैं स्विमिंग पूल के एक कोने में तैरने के लिए कूदता हूँ और आप एक बाल सुखाने की मशीन को प्लग में लगा कर शुरू करके उसे पानी में डाल दें तो मुझे कुछ महसूस होगा। हाँ। क्योंकि विद्युत पानी में बहता है। सच। और परमेश्वर की सामर्थ विश्वास में बहती है। और यदि आप रबर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर उस हेयर ड्रायर के तारों को खोल दें और उस ओर से छू लें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रबर विद्युत को रोकता है। और इसी प्रकार अविश्वास हमें रोकता है परमेश्वर की सामर्थ से। जब यीशु ने चमत्कार किया वो नहीं कर पाया। वह तो अपने नगर में आया था, उसने कहा मैं सचमुच यहाँ पर चमत्कार करना चाहता हूँ, परंतु उनका अविश्वास ने परमेश्वर की सामर्थ को उनके जीवन में कार्य करने से रोक दिया। सच बात है। परंतु जब हमारे अंदर विश्वास है तो, और जो सबसे बड़ी बात है विश्वास के विषय में जॉयस, वो ये है कि हम कभी भी विश्वास कर सकते हैं। उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। नहीं नहीं, हर एक के पास विश्वास है। रोमियो में लिखा है हर एक के पास विश्वास है। और विश्वास के विषय में बड़ी बात यह है कि यह ढेर सारे कदमों की श्रृंखला नहीं है। जो पुस्तक मैंने लिखी है उसमें मैंने कुछ कदम दिए हैं, परंतु मैं पहले ही बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा हो। और कुछ इस प्रकार की, दाऊद गोलियत की ओर भाग रहा था, बाल हवा में उड़ रहे थे, उसने कहा मैं आज तुम्हारे सर को काट दूंगा, तू दुष्ट है। वो कह रहा था, वो दौड़ रहा था, वो दबे पांव नहीं था, वह तो सोच रहा था कि मैंने क्या किया है। और वह उस डर की ओर दौड़ रहा था, बढ़ रहा था उस दानों की ओर। जब सारा इसराइल उस दानों की ओर देख रहा था, वे सोचने लगे कि ओ नहीं, हम तो उनके सामने कीड़ों के समान हैं। और फिर उन्होंने अपने आप को उनकी समस्याओं के नजरिए से देखा और वे सिकुड़ गए। मान उनकी समस्या अधिक हो, जैसे वे सिकुड़ गए वैसे उनका परमेश्वर का दर्शन भी सिकुड़ गया। परंतु हम अपने बर्ताव को बदल कर कह सकते कि मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा और आज ही अपना विश्वास आरंभ करूंगा और मैं इसके द्वारा पूरा करूंगा। तो फिर आप क्या कहते हैं कि वास्तविक स्तर, कम से कम मैंने अपने जीवन में छोटी बातों से शुरुआत की। देखिए, जब दाऊद गोलियत से लड़ने को आया उसने कुछ जीत पहले से ही हासिल कर रखी थी। बिल्कुल सही। इसलिए जब हम दानव को मारने की बात करते हैं,
आप में से बहुत अपने जीवन में कई प्रकार के दानव का सामना कर रहे होंगे, शायद कर्ज का दानव, विवाह समस्या हो, बच्चे के साथ परेशानी हो, शायद नौकरी चली गई हो, शायद आप नहीं जानते कि अगले महीने आप कहाँ होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि आप जैसे प्रचारकों का विश्वास पर बातचीत अच्छी है परंतु आप मेरी समस्या नहीं जानते। परंतु आपको कहीं से तो आरंभ करना है, आपको छोटी बातों से शुरुआत करनी है। जैसे हम कहते हैं कि आपको एक मोजे के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है, इससे पहले की कार के लिए, इसलिए आप हमें बताएं कि कुछ छोटे कदम कैसे उठाएं जिसके द्वारा हम वहां तक जा सकें जहां हमें जाना। मैं सोचता हूं कि हमें इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत बातें करते हैं पैसों के लिए। एक नियुक्त समय में जब हम हमारी इमारत को बना रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लोग उत्साहित हो रहे थे, तो कोई आकर मुझसे कहा कि हाँ मैं तो $50,000 देना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसे कैसे करेंगे? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पूर्ति करेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे बताइए आप इसे कैसे करेंगे। वे कहते हैं परमेश्वर प्रयोजन करेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, आप कितना कमाते हैं? वो कहती मैं $50,000, मेरा पति $75,000 कमाता है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप अपने साल भर का वेतन दे रहे हैं। और वे कहते हैं ना, नहीं, मैंने समर्पण किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि क्या परमेश्वर आपको $50,000 नहीं देगा? उन्होंने कहा हाँ, परंतु हम किसी और जरिए से सोचे थे। तब मैंने उनसे कहा ठीक है, हम थोड़े कम करके हम देखते हैं कि जो हम विश्वास करते हैं वो होता है कि नहीं, क्यों नहीं आप $5,000 देते हैं? उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, हमें छुट्टियों पर नहीं जाना है, हमें नया फ्रिज नहीं खरीदना है। और फिर इस रीति से हम ऐसा करते हैं कि दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है, पास्टर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा बच्चा स्कूल गया और उन्हें $2,500 की स्कॉलरशिप मिली, मेरी $2,500 की बढ़त हुई है, हम वहाँ थे। तब मैंने कहा हम बढ़ सकते हैं। तो आपको आरंभ करना है कुछ ऐसा जो आप कर सकते हैं, कुछ करने लायक, ना कि केवल ख्याली पुलाव बनाना या कुछ ऐसा काम जो सही ना आप कर सकें और ना ही कोई और दूसरा उसे कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक बड़ी निरुत्साहित करने वाली बात जो है वह है ज्यादा दिखाना और कम करना। अच्छी बात है। जानते हैं ज्यादातर लोग बड़े काम करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। हम बेहतर बन सकते हैं एक समय एक काम करके, हम हाथी कैसे खा सकते हैं। एक बार एक कोर में इस प्रकार है कि आप किसी काम की कोशिश कर रहे हैं और इसके पहले कि आप इसे जानें, आप उस कार्य को कर रहे हैं, आप जानते हैं जॉयस जहां तुम आज हो वहां एक दिन में नहीं बनी हो। हाँ, यह शुरुआत हो सकती है धूम्रपान छोड़कर। यह हो सकता है कि आप इस सप्ताह इसे छोड़ दें और धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे हो सकता है कि आप शेर और भालू का सामना करें, और जब आप गोलियत से मिलेंगे तो पूरा राष्ट्र आप पर निर्भर होगा और उस समय आप तैयार होंगे। परंतु साहस वास्तव में कदम उठाना है उस समय जब आप डरे हो। आपने जो कहा वो बहुत अच्छा लगा, डरते हुए करें। सही, मैं समझता हूँ यही तो बहादुरी और साहस और यही विश्वास है। बिल्कुल सही। और मैं ये कहूंगा कि अविश्वास पर आप वार ना करें तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और अविश्वास विश्वास की यात्रा का एक भाग है। इसलिए जब आप शक पर वार करते हैं तब आप जानते हैं कि आप अपनी आरामशैया से बाहर हैं। हम आरामशैया की बात कर रहे हैं, मतलब यह है कि यदि हम परेशान नहीं हैं, यदि हम आराम में हैं, तो हमने अपना विश्वास नहीं बढ़ाया। हमने अपना विश्वास नहीं बढ़ाया है। बिल्कुल सही। मुझे तो इसका हमेशा एहसास करना है और तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हारी सेवकाई बढ़ रही है और हम पाते हैं कि अब हम केवल हजारों में नहीं परंतु करोड़ों के बीच में सेवा कर रहे हैं, और हर समय हमें विश्वास में खिंचाव चाहिए। विश्वास में चलना चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। आपने यहाँ पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि विश्वास एक वातावरण है, उसके बारे में बताइए। आप जानती हैं मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जब वे कमरा छोड़कर जाते हैं तो कमरा प्रकाशमय होता है, और यह सही दुखद और यह सही दुखद बात है। कमरा जगमगाना चाहिए जब हम अंदर आते हैं। हमें शहर में रोशनी लाना है, हमें अपना वातावरण होना चाहिए जो दूसरों को उत्साह दे सके, ताकि वे एहसास करें कि हम कुछ कर सकते हैं। एक बार वे वचन सुन ले और हमारी आत्मा उनसे बातचीत करें तो वे सोचेंगे कि हमें ताज़ा उत्साह मिला है। वो वातावरण जैसे मैंने पहले कहा है, ऐसा वातावरण है जहाँ परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती हैं। परमेश्वर की सामर्थ तो एक पदार्थ है, कुछ ऐसा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचाया जा सकता है। जब यीशु जा रहा था तो वह स्त्री भीड़ में से आई, वह अपने आप से कहती थी, उसके अंदर विश्वास का वातावरण था, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परंतु चेलों ने कहा सभी तुझे छू रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के पास में विश्वास का वातावरण है। दूसरों के पास आराधना हो सकती है, स्तुति हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर की सामर्थ को दूसरों तक नहीं पहुंचा रही। ये स्त्री हर एक बात के अंत तक पहुंच चुकी थी, उसके लिए चमत्कार के लिए समय हो चुका था,
जब हम अपनी सारी योग्यताओं से हार जाते हैं, तो उसने बढ़कर कहा, यदि मैं ऐसा करूं, जो कुछ हम अपने भीतर कह रहे हैं वही वातावरण तो हमारे भीतर में है। हम हमारे मुंह से सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जो हमारे अंदर में है वह तो सचमुच एक बदलाव लाता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर सक्षम है हमारे मांगने या सोचने से पहले, ऐसा नहीं मांगने और सोचने, इसलिए हमारे विचार भी उतने ही भारी है जितने हमारी प्रार्थना है। स्वर्ग में विचार जो शब्द है वह तो है फ्रोनियो, ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, जानना और होते हुए देखना। मुझे याद है जॉयस, एक छोटे से ठंडे मंच पर वहां पर मैं खड़ा था, सामने में 13 बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी थे और मैंने उनसे कहा, एक दिन हमारे पास 3 माला मंजिल होगी, गर्मियों में एसी होगा, सर्दियों में हीटर होगा, 400 विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी होंगे। उन्होंने ठिठुरते हुए कहा, ओ पास्टर ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और हमारे पास सब कुछ है और हमारे कैंपस में वह एक इमारत है। मुझे याद है एक दिन मैंने कहा था कि हमारे पास ब्रास का वाद्य होगा, हमारे पास बैंड होंगे, हमारे पास 10 होंगे। आज ये सब हमारे पास है और ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आपने देखा उन बातों को जो दूसरे अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं देख पाते तो हैं। तो बिल्कुल कोई कह सकता है कि विश्वास का अर्थ है सकारात्मक होना। जब आप उनके मध्य हो जैसे कि नकारात्मक परिस्थितियां हैं, हम आपसे फिर बातें करेंगे इस विषय पर और कि कैसे आप विश्वास के वातावरण में जी सकते हैं। हम एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के पास्टर फिल प्रिंगल के साथ हैं जो विश्वास पर बातें कर रहे हैं और कैसे हम विश्वास के वातावरण में जी सकते हैं, कैसे हम देखें कि हमारे जीवन, हमारी परिस्थितियां, हमारे आसपास की बातें, हमारे परिवार बदल जाते हैं बुरे से अच्छे में सिर्फ विश्वास का जीवन जी कर और परमेश्वर की सामर्थ का द्वार खोलने के द्वारा। बहुत अच्छा, यहाँ आपके साथ रहना अच्छा है जॉयस। आमीन, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जानती हैं जो कुछ भी आप कह रही थी बिल्कुल सही है। आपको विश्वास नहीं चाहिए जब आपको विश्वास नहीं चाहिए, आपको विश्वास चाहिए जब आपको विश्वास चाहिए। यह भयानक बात है कि ये जब हम नकारात्मक परिस्थिति में या किसी और ऐसी बात में होते हैं जो हमें डरा देती है, हम उसका सामना नहीं कर पाते, हमारा भीतरी वातावरण उसके वश में ना आए। उसी से मैं आपको विश्वास चाहिए। जब सब बातें ठीक होती है तब आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। चर्च में गीत गाते हैं, मैं विजयी हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। आप बाहर जाकर सच्चाई से मुलाकात करते हैं ठीक। और यदि देखा जाए तो जो बात विश्वास को जानना है वो ये है कि एक बड़ा अंतर है इस वास्तविकता और सत्य में। बिल्कुल सही। और अब देखिए, यीशु ने पत्रस से कहा, गहरे पानी में ले चलो, अपने जाल डालो, तुम्हें मछलियां मिलेगी। पत्रस ने कहा, मैंने कठिन परिश्रम किया पूरी रात और कुछ नहीं पकड़ा। ठीक। बहुत से पास्टर और लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पकड़ते हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, नहीं नहीं, इसलिए वो कुड़कुड़ाता हुआ जाता है। कुछ भी हो, निर्णय लें, परंतु फिर भी वो जाता है इच्छा न होते हुए भी, और यीशु के वचनों के अनुसार करता है। और यीशु के वचनों के अनुसार वह करता है और सच में बहुत सी मछलियाँ पकड़ लाता है। वास्तविकता में वहाँ पर मछलियाँ नहीं थी, परंतु सत्य यीशु ने कहा यहाँ मछलियाँ हैं। वास्तविकता हो सकता है कि आप बीमार हो, परंतु सत्य है कि आप चंगे हैं। हाँ। वास्तविकता ये हो सकती है कि आप गरीब हैं भी, परंतु सत्य है कि आप धनी हैं। हाँ। इसलिए चलना वास्तविकता से सत्य की ओर का अर्थ है हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है जो हमारी परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत है। सही कुंजी। हाँ। आप जानते हैं फिल, मैं बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहती हूँ हमारे लोगों के साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग मेरे और आपके समान वे सीधे साधे हैं जो जीवन जीना चाह रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, रोमियो 12 में बाइबल कहती है, हर एक व्यक्ति को उसके परिमाण से विश्वास मिला है। तो आपके पास विश्वास है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कुर्सी पर बैठते हैं आप अपना विश्वास रखते हैं कि वो टूटेगी नहीं। परंतु मैं क्या सोच रही हूँ कि परंतु मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग अपने आप को स्थिति से ज़्यादा जोड़ेंगे बजाय इसके कि विश्वास करें। यदि मुझ में विश्वास है, कैसी बातें मेरे विश्वास को रोक सकती हैं? मैं इसे बाहर फेंक दूंगी, तुम उसे उठा लेना। दोहरा होना विश्वास को रोकता है। सही है, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, देखिए, मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है यू आर द लीडर। यह व्हाइटेक हाउस से प्रकाशित होगी। यह प्रभाव के विषय में बताती है और मेरे विषय में कि किस तरह निर्णय लूं ठीक, जो मेरे जीवन शैली पर प्रभाव डालें और इसी तरह दूसरों के जीवन पर भी। मैं सोचता हूँ एक अगवा और प्रभावित करना एक मसीह के रूप में का आधार निर्भर करता है, हमारी चुनाव की क्षमता पर, हमारे बड़े चुनाव पर, जैसे आपने कहा है। मैंने सच में उस पुस्तक में
फेथ में जो मैंने लिखी है, मैंने विश्वास की यात्रा के विषय में 7 कदम बताए हैं। 7 कदम जो आपके सपनों को पूरा करेंगे, उनमें से एक है निर्णय लेना, क्योंकि एक दोहरा मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता है। परंतु हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग समर्पण से घबराते हैं, क्योंकि वे उनके लिए कोई दूसरा हल नहीं छोड़ता है। जबकि मैं अपनी पत्नी से कहता हूं, जिससे मेरी शादी 33 वर्षों से हुई है, मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूं और केवल तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगी, और इसके कारण सब पर्याय बंद हो गए हैं। मैंने एक वाचा बांधी, मैंने एक निर्णय लिया। जब मैं नाव से बाहर कदम रखता हूं तो वाचा तोड़ता हूं। ये एक निर्णय है। हम दोहरे विचार के साथ नहीं रह सकते हैं, बल्कि ये तो कोई विचार ही करना नहीं हुआ है। लोग कहते हैं अपना मन बना लें, और वास्तव में हमें हमारे मन में ठान लेना है कि जब हम लोग अपने मन में नहीं बनाते हैं तो हम घटते हैं। और मैं सोचता हूं कि लोग अपने आप को हर समस्या के लिए खोल देते हैं, और उन हर बातों के लिए खोल देते हैं जब वे विश्वास नहीं करते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि एक स्त्री के नाते कैसे झुंझुलाहट होती है। मैं नहीं जानती क्या पुरुष भी झुंझुलाते हैं, परंतु सुबह तैयार होना और कपड़े पहनना, नहीं ये मैं पहनो, दूसरा पहनो, फिर पहले वाला पहनो, और बहुत जल्दी मैं तैयार होती हूँ अपने बाल खींचने के लिए, क्योंकि मेरे पास 6 कपड़े हैं और मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूं। और एक सुबह मैं यही कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे धीरे से कहा, जॉयस जल्दी से कुछ पहन लो और जाओ और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए देखिए, शैतान हमारे विरुद्ध आता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता की, और जो कुछ हमें करना है इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो ये है कि यीशु का मन और ज्ञान की आत्मा हमारी अंदर वास करती है। सही है, परमेश्वर का ज्ञान हमें वास करता है, उसकी आत्मा हमें वास करती है। मेरा ये अर्थ नहीं कि हम खुद पर विश्वास करें, परंतु किसी रीति से हम परमेश्वर पर विश्वास करें जो हम में है, तब हमें ये विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं वो सही है। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे जाएं। बाइबल कहती है कि दुचित्ता व्यक्ति सब बातों में अस्थिर है। ऐसा मनुष्य ये न सोचे कि वो प्रभु से कुछ प्राप्त करेगा, क्योंकि वो नहीं करेगा। आश्चर्य की बात है। यह तो बात सही है कि परमेश्वर एक बंद कार को नहीं हिलाएगा, ऐसी कार जो कि गैराज में पड़ी हो। सही कहा। एक बार आप कदम उठाएंगे, मनुष्य के कदम परमेश्वर द्वारा निर्धारित होते हैं, और वह कदम है न कि सिर्फ सोचना। परमेश्वर कहता है मुझे अपना हृदय दो, यानी कहा कि मुझे दिमाग दो। वो कहता है अपनी बुद्धि अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। एक संयमी आत्मा इस योग्य है कि अपने मन को तैयार कर ले, निर्णय लें। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, वो इसलिए क्योंकि शैतान हमारे भीतर ये डालना चाहता है कि यह परमेश्वर की ओर से ही है, ये दुचित्तापन। सही कहा। और वो हमारे निर्णयों में दखल दे रहा है, निर्णय लेने में। परमेश्वर अपनी सार्वभौमिकता का इस्तेमाल करना चाहता है, हमें नीचा दिखाने या चिढ़ाने के लिए नहीं, या हमें पता लगाने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यह आसान बात है कि परमेश्वर की इच्छा क्या जाने। और यह आनंद की बात है, वो कहता है अपना मन बना लो कि किस रीति से आप अपने बाल बनाएंगे, या फिर आप किस रंग के कपड़े पहनेंगे। एक सच्चा मसीह कहेगा कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, जो तू चाहता है वही मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ जो तू नहीं चाहता है। वो कहता नहीं नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करोगे। परमेश्वर कहता है कि अपने सारे कार्यों में उसे स्मरण रखो और वो तुम्हारे पद सीधे करेगा। ठीक, हम वही चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो हमारे भीतर इच्छा डालता है, और हमें तैयार रहना है कि हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वास के कदम उठाएं। एक बात जो लोगों को निर्णय लेने से रोकती है, किसी कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वे संदेह और दुचित्तेपन से संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास विश्वास की आत्मा है, परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है कि आप वो करें जो आपको करना है, परंतु आप आगे पीछे हो रहे हैं। आपको एक बिंदु पर आना है जहां आप निर्णय लें और उस पर बने रहें, और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि यदि आपने अच्छा कार्य किया कि कैसे सही निर्णय लें, और यदि किसी कारण से आपका निर्णय गलत था परंतु क्योंकि आपका हृदय सही था तो परमेश्वर दखल देगा और उसमें से भी भलाई करेगा। एक बार मैं परमेश्वर से कह रही थी, क्या होगा यदि मैं भूल कर दूं। उसने कहा, जॉयस यदि तुम भूल करोगी मैं तुम्हें सुधारूंगा, कुछ तो करो। बिल्कुल सही। और जब आप विकल्प रखते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। मेरा मतलब, वो चाहता है कि हम जाने कि हम उसके लिए मूल्यवान हैं, और हम उससे कह सकते हैं कि मुझे वो घर पसंद है, मैं परमेश्वर से मांगूंगा, मैं वो नौकरी मांगूंगा, मैं वो कार मांगूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन के सपनों को पूरा करेगी। इसका मतलब यह नहीं कि सब हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर से आपने मांगा है। विश्वास के कदम होते हैं, विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। आपको बाहर जाना है, खरीदना है, परंतु मैं सोचता हूँ कि यदि हम जान लें कि
परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए हमारी इच्छा क्या है उसके विषय में अच्छी भावनाएं हैं। सही कहा। ऐसा नहीं कि वो हमारे जीवन को कठिन बनाना चाहता है, वह तो अच्छा है। वो हमारे सपनों को जो भविष्य के लिए है उन्हें पूरा करना चाहता है। मेरा मतलब है वह जो बातें हमारी आवश्यकता है उनका प्रयोजन करेगा, परंतु हमारे सपने पूरे हो जाएं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे बढ़ें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम निर्णय लेकर उसमें आगे बढ़ें। अब देखिए, परमेश्वर कहता है मैं जवानों को दर्शन दूंगा, जो केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है कि हम कहें वाह कितना अच्छा दर्शन है। हमारे विचार तो रचनात्मक हैं, इसलिए शैतान पसंद करता है कि हमें डरावनी बातों से डराएं, क्योंकि जो दृश्य हमारे विचारों में हम देखते हैं उन पर उन्हीं के ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं। सही कहा। और जो कोई भी चित्र वह हमारे विचारों में डालता है तो हम वहीं जाते हैं। यदि मैं एक ट्रेन पकड़ता हूँ कि सेंट लुइस से सैन फ्रांसिस्को की ओर जाऊँ, परंतु वास्तव में मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मेरी यात्रा सैन फ्रांसिस्को में खत्म होगी। मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, परंतु यदि मेरे मस्तिष्क की रेल बीमारी की ओर जा रही है और मैं अपने आप को बिस्तर पर पड़ा देखता हूँ या कफन में या फिर और किसी में, उसी समय मुझे मेरे विचारों को बदल देना है और वो मेरा जीवन बदल देगा। इसलिए जो चित्र मेरे सिर में है परमेश्वर से बातें करता है और वो उन विचारों को आपके जीवन में सेता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उसे उत्पन्न करें, इसलिए मुझे मेरी विचारधारा बदलनी है कि मेरी जिंदगी कैसी होगी और वचन में परिपक्व होना है। मैं खुश हूँ कि कल भी आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि अभी भी आप बहुत कुछ बांट सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने गहरे जल के ऊपर से छलांग लगा ली इस कमरे में जो कि खाली है, उन्हें प्रचार करके जो है ही नहीं, दर्शन देखते हुए और विश्वास करते हुए कि आप बड़े कार्य कर सकते हैं। परंतु आप जानते हैं हम परमेश्वर के वचन से दूर नहीं गए हैं। बस इतना है कि वचन के इस भाग के विषय बहुत लोग नहीं जानते। रोमियो 4:17 कहता है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मृतक को जीवन देता है और उन बातों को जो है ही नहीं पुकारता है। मुझे याद है जब मैं अपने आराम सोफे पर बैठती थी, मैं एक छोटा बाइबल अध्ययन चलाती थी, मेरे 3 बच्चे थे और हमारी परिस्थिति निराशाजनक, और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं कभी भी ऐसा करूंगी जो आज मैं कर रही हूं, परंतु परमेश्वर ने मेरे भीतर कुछ रखा था। मेरे घर के एकांत में मैं अंगीकार करती थी कि यदि प्रभु के हाथ में सब कुछ है तो जो मैं विश्वास करती हूं वो होगा। मैंने परमेश्वर के वचन को स्मरण करना और अध्ययन करना शुरू किया, पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना शुरू किया। उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया कि मेरे अंदर बदलाव लाएं, मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन, मेरे चुनाव में परिवर्तन। देखिए, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा होना था। कभी कभी आपके पास सारी बातें होती हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए, परंतु फिर भी एक नकारात्मक मुंह, ये कारण हो सकता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आप प्राप्त न करें। हम बहुत उत्साही हैं आपके साथ विश्वास पर बात करके, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो परमेश्वर के पास आते हैं वे विश्वास करें कि वो है और जो उसे खोजते हैं उन्हें प्रतिफल देता है। हम चाहते हैं कि आप इन जानकारी को लें और हमें कॉल करें या हमें लिखें और कहें कि हाँ, मैं अपने विश्वास की ज़िंदगी आरंभ करना चाहता हूँ या मैं अपने विश्वास के जीवन में और अधिक बढ़ना चाहता हूँ। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं कि कल भी हमें मिलें और अधिक सीखें फिल प्रिंगल से विश्वास के विषय में। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।